आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये सूर्य के बाद ना किरण मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सब छोड़ दूंगी चाइना का। मैं चाइनीज नूडल भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है। ओ हेलो मैडम, पहले अपना फोन दो। ये फोन भी जो आप यूज करती हो ना, ये भी चाइना का है। अपनी वॉच दो यार, ये स्मार्ट वॉच है। ये भी चाइना का ही है। अपना चश्मा मैं देखूंगी कैसे भाई, ये भी चाइना का ही। अच्छा ठीक है, अब शूट कर लेना। मतलब हम शूट कैसे करोगे? क्यों? आपका कैमरा, ट्राइपॉड, ये सब जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये सब चाइना का माल है। तो देखा आपने, चीन का माल यानी कि चाइना से जो सामान आता है वो हमारे रूटीन में कितना रच बस गया है। चाहे हमारे फैब्रिक हो या फिर बच्चों के बर्थडे में उनके लिए हम जो गिफ्ट लेके जाते हैं वो हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर मेडिकल का सामान हो, ये तमाम चीज़ें चाइना से आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने क्या आंकड़े दिए हैं चाइना के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर, चलिए अब वो भी जान लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कुछ आंकड़े दिए हैं जिसके मुताबिक चीन से इंपोर्ट सामान 4,08,000 करोड़ रुपए का है, तो वहीं भारत से जो सामान चीन जाता है उसकी कीमत है 1,01,000 करोड़। रोजमर्रा के सामान के अलावा COVID-19 जो कि चाइना से ही फैला, उसमें जो सामान यूज हो रहा है वो कौन कौन सा है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन वो सामान भी चीन से आ रहा है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 तक भारत चीन से 400 टन चिकित्सा आपूर्ति का सामान, RT-PCR किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, PPE किट, थर्मामीटर जैसे सामान मंगा चुका है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि भारत चीन की दीवार से भी बड़ी अर्थव्यवस्था की दीवार बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका, जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत अब मिलकर खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने इससे पहले कोई प्रयास नहीं किए। मेक इन इंडिया इनमें से एक है। स्वदेशी जागरण मंच और व्यापारियों की ट्रेड यूनियन बहुत पहले से भारत सरकार से यह अनुरोध कर रही है कि चीन से आने वाला सामान अब बंद किया जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पिछले 5 वर्षों से देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात लगातार कहता आ रहा था, जिसको बल मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस बात से कि अब लोकल पे वोकल होना पड़ेगा। भारत अमेरिका के बाद अगर किसी देश से सबसे ज्यादा सामान मंगाता है तो वो है चीन। लेकिन चीन खुद में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो बाकी देशों से बहुत कम सामान मंगाता है, और इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।